आपका नया फ़ोन क्या कुछ ही दिन के बाद धीमा चलने लगता है? अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी आ रही है या आ चुकी है तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे वो सब कुछ जो नॉर्मली होता है और क्यों होता है, इसके लिए आप देखिए पूरा वीडियो। फ़ोन लाते हैं, चाहे वो हम ऑफलाइन बाज़ार से ख़रीदे चाहे ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदे, उसके बाद उसका पैक खोला, सिम लगाया, डाटा ऑन किया और सारी सेटिंग कर डाली। सेटिंग करने के बाद उसमें सभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए और जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन ऐसे डाउनलोड हो जाते हैं जो कि यूज़लेस होती है। यूज़लेस का मतलब ये है कि जो है आपका फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा, दूसरा ले लेंगे फ़ोन, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपने कभी यूज़ ही नहीं किए हैं लेकिन रखेंगे ज़रूर। इस तरीके से जो एप्लीकेशन होते हैं उससे फ़ोन धीमा चलने लगता है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्मूथ चलता है लेकिन धीरे धीरे वो फ़ोन धीमा चलने लगता है, और जो एप्लीकेशन के अपडेट होते हैं उससे भी फ़ोन धीरे धीरे धीमा चलने लगता है। क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करते हैं तो वो उसका बेसिक वर्जन होता है, लेकिन 15-20 दिनों के बाद उसमें एक अपडेट आएगा, और इस तरह से हर 15-20 दिन के बाद उसमें एक एक अपडेट आता रहता है, जिससे उसका जो साइज़ होता है वो बढ़ते चले जाता है क्योंकि नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती चली जाती हैं। अब मसलन हम व्हाट्सएप को ही लेते हैं। देखिए, व्हाट्सएप का जो पहले यूज़ होता था वो था टेक्स्ट मैसेज करना, वॉइस मैसेज करना या फिर वीडियो भेजना, लेकिन जैसे जैसे उसमें अपडेट आए उस तरह से उसमें कई सारे नई नई चीज़ें जुड़ती चली गई। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलिंग फैसिलिटीज़ आ गई, मतलब कि वॉइस कॉल, वीडियो कॉल ये सब, और बाद में इसमें ब्लैक थीम भी आ गई, सब लोग ब्लैक थीम भी जो है डाउनलोड करने लगे। स्टिकर के अपडेट आते हैं, इमोजी के अपडेट आते हैं, जो ग्राफिक्स इसमें यूज़ होती हैं उसके भी अपडेट आते हैं। इस तरह से कई सारी अपडेट आती रहती है दिन ब दिन, जिससे उसका जो साइज़ होता है वो बढ़ते चले जाता है, और आने वाले समय में जो व्हाट्सएप है उसमें एक नई फैसिलिटीज़ भी जुड़ने वाली है, वो है पेमेंट। पेमेंट आप लोग समझ गए होंगे, जिस तरह से पेटीएम से या फ़ोनपे से हम लोग पेमेंट करते हैं, उसी तरह से व्हाट्सएप से भी पेमेंट शुरू होने वाला है। इसका मतलब कि इसका साइज़ और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इससे निजात कैसे पाएं। देखिए, निजात पाने का जो तरीका है कि उसमें कुछ ऐसी फाइलें होती हैं, वो हम इसमें व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ चीज़ें सेव होती चली जाती हैं, तो उसका व्हाट्सएप का जो साइज़ होता है वो बढ़ते चले जाता है और फ़ोन में जो स्पेस होता है वो भी कम होते चले जाता है। अब जैसे कि आप लोग ग्रुप कम से कम बनाइए, ग्रुप में कम से कम ऐड होइए, ग्रुप की जो चैट होती है उसको वीकली तो डिलीट ही कर दीजिए, और उसमें एक सेटिंग ऐसी होती है जिससे कि कोई भी चीज़ यानी फ़ोटो वीडियो ये सब सेव नहीं होती है। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसमें सेटिंग की जाती है जिससे आप लोगों की जो डाटा होते हैं या इसको डॉक्यूमेंट्स जो बोलते हैं व्हाट्सएप के, वो फ़ोन में सेव नहीं होते हैं, वो व्हाट्सएप तक ही सीमित होते हैं, जिससे स्पेस काफ़ी बच जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से फ़ोन धीमा चलने लगता है। और हाँ, एक चीज़ बताना हम भूल गए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे तो आ ही गया होगा मेरी आईडी, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।